कारगिल दिवस के मद्देनजर नाहन में रन फॉर फन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। ऐतिहासिक चौगान मैदान से शुरू हुई दौड़ शहीद स्मारक और मुख्य बस स्टैंड होते हुए वापस चौगान मैदान पहुंची। कारगिल दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक शहर नाहन में सोमवार को सेना द्वारा रन फॉर फन का आयोजन किया गया। करीब 6 किलोमीटर लंबी इस दौड़ में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। ऐतिहासिक चौगान मैदान से शुरू हुई दौड़ शहीद स्मारक और मुख्य बस स्टैंड होते हुए वापस चौगान मैदान पहुंची। दौड़ में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे युवाओं को सम्मानित किया गया। मेजर जनरल आरएस मान ने बताया कि आज का दिन न केवल सेना के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गौरवान्वित करने वाला है। उन्होंने कहा कि रन फॉर फन दौड़ के आयोजन का मुख्य मकसद लोगों को देशभक्ति के प्रति प्रेरित करना है। आज का दिन हमारे देश के लिए और स्पेशली इंडियन आर्मी के लिए और हम सब पेट्रियोटिक नागरिक के लिए अहम है। देश भर में आज का दिन जो हमारे नेशनल स्पिरिट और इंडियन आर्मी की जो विजय हुई थी बहुत कठिन सर्कमस्टांसिस में, जहां हमारे ऑफिसर्स जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था, उनकी बहादुरी और उनकी सैक्रिफाइस को आज हम कमेमोरेट करते हैं। देश भर में ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हाल में चंडीगढ़ में विक्रम बत्रा का हमने कार्यक्रम किया था, जहां उसके कॉलेज में जहां उसने एनसीसी की थी, डीएवी कॉलेज चंडीगढ़, विक्रम बत्रा की याद में कार्यक्रम किया गया था और उन्होंने जो पाया था। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है यहां, ये जो बच्चे हैं और जो एसएफटीएस के जो नुमाइंदे जिन्होंने भाग लिया है रन फॉर फन के लिए, ये नागरिकों के लिए और उनको देशभक्ति और सैक्रिफाइस की तरफ जागरूक करने के लिए बहुत अहम है। जब वो कैडेट्स और जवानों को भागते देखेंगे, उनको हमारी जो इतिहास है उसके बारे में नॉलेज होगी। तो आज का ये कार्यक्रम अहम है, स्पेशली इंडियन आर्मी के लिए और हमारे देश के लिए। सेना द्वारा आयोजित इस दौड़ को लेकर युवाओं में भी भारी उत्साह देखने को मिला। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।